हाय गाइस, कैसे हो आप सब। 604 फैक्ट्स हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग 10 ऐसी निशानियों के बारे में जानेंगे जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि सामने वाला बंदा जीनियस है। इन बातों को जानकर हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम लोग अपने कार्यों को और भी ईमानदारी से करते हैं, जो हमें हमारी सफलता की तरफ ले जाता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात गाइस, अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीनियस नहीं हो। तो गाइस, इस वीडियो को देखिए एंड इसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि आप में इनमें से कौन सी क्वालिटी है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, फ्रीक्वेंट नैप्स। गाइस, फ्रीक्वेंट नैप्स एक ऐसी चीज होती है जिसमें मनुष्य कई बार झपकियां ले लेता है। आमतौर पर हम लोग ये सोचते हैं कि कई बार झपकी आ जाना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन गाइस, अगर आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है तो आप खुश हो जाइए। कुछ रिसर्च के बाद ये पता लगाया गया है कि बीच बीच में झपकी लेना जीनियस होने की निशानियां हैं, क्योंकि जब भी कोई मनुष्य थका रहता है और कुछ मेहनत के लिए झपकी ले लेता है तो इससे वह एनर्जेटिक फील करता है और फिर अपने कार्यों को उतने ही पॉजिटिव वे में करता है। नंबर 9, डूडलिंग। गाइस, डूडलिंग एक ऐसी विधि होती है जिसमें बिना ध्यान दिए लाइन या फिगर बनाया जा सकता है। कुछ लोगों को जब कोई काम करने के लिए दिया जाता है तो वो लोग काम करने के बीच में लाइन या फिगर बनाने लगते हैं। तो अगर आप लोगों में डूडलिंग की क्वालिटी है तो खुश होने वाली बात है, क्योंकि ये एक जीनियस होने की निशानी है। इसे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। कई रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने साबित भी किया है कि डूडलिंग करने वालों में प्रॉब्लम सॉल्विंग और चीजों को याद करने की कैपेसिटी बेस्ट होती है। नंबर 8, बीइंग मेसी। गाइस, बीइंग मेसी का मतलब होता है अव्यवस्थित रहना। कुछ लोगों को देखिए तो उनकी चीजें इधर उधर हमेशा पड़ी रहती है और अपना काम रेगुलरली नहीं करते हैं। अब चाहे उनके कपड़े हों या खुद को मेंटेन करने की बात करें, वो कभी भी व्यवस्थित नहीं रहते हैं। गाइस, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में रिसर्चर्स ने बताया कि बीइंग मेसी भी एक जीनियस होने की निशानी है। रिसर्चर्स ने व्यवस्थित और अव्यवस्थित स्टूडेंट पर यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया तो जो लोग अव्यवस्थित थे उनके रिजल्ट ज्यादा बेहतर आए थे। नंबर 7, ब्लू आईज। गाइस, वैसे तो ब्लू आईज सुंदर होने की निशानी होती है, बट ये लोग सुंदर होने के साथ साथ जीनियस भी होते हैं। ये लोग खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। रिसर्चर्स ने बताया कि ये अपने कार्य में पॉजिटिव रिजल्ट लेके आते हैं। नंबर 6, टॉकिंग टू योरसेल्फ। गाइस, टॉकिंग टू योरसेल्फ यानी कि खुद से बातें करना। अगर कोई व्यक्ति खुद से बातें करता है तो लोग उसे पागल बोलते हैं, लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि खुद से बात करना भी एक जीनियस होने की निशानी है। गाइस, द क्वार्टरली जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में छपी स्टडी में मशहूर डैनियल स्वेकली और जेरी लुथिया ने साबित किया कि खुद से बात करने वाले लोग जीनियस होते हैं। दोनों वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में दो लोगों को, जिसमें एक खुद से बात करते हुए और दूसरे को चुप रहते हुए लिया गया। इस रिसर्च में उन्हें एक चीज ढूंढना था, तो खुद से बात करने वाले इंसान ने जल्दी से उस सामान को खोज लिया, बट शांत रहने वाला व्यक्ति वो काम नहीं कर पाया। नंबर 5, स्टे अप लेट एट नाइट। एक कहावत के अनुसार जल्दी सोना और जल्दी उठना लोगों के लिए बेहतर साबित होता है। रात को जल्दी सोना और सुबह उठना इंसान को सेहतमंद बनाता है और इसके साथ साथ बुद्धिमान भी बनाता है। बट कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि देर रात तक जगना भी बुद्धिमान होने का लक्षण होता है। वैज्ञानिकों ने कहा जो जल्दी सोते हैं उनका IQ लेवल देर से सोने वाले लोगों से कम होता है। रिसर्चर संतोषी कानाजावा ने कहा कि लोगों के सोने और उठने का IQ लेवल से गहरा संबंध होता है। नंबर 4, हैविंग लेस फ्रेंड्स। गाइस, हैविंग लेस फ्रेंड का मीनिंग होता है कम दोस्त रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं भी जा रहे हैं और उनके साथ बस या ट्रेन में कभी भी कोई व्यक्ति मिल जाता है तो वो दोस्ती कर लेते हैं, बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। गाइस, अगर आप में अकेले रहने की आदत है तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये भी एक जीनियस होने की निशानी है। ऐसा नहीं है कि जो लोग सामाजिक होते हैं वो जीनियस नहीं होते हैं, बट अकेले रहने वाले लोग की तुलना में कम होते हैं। नंबर 3, लाइक टू ईट चॉकलेट। गाइस, कुछ लोगों को चॉकलेट खाना बेहद पसंद होता है। आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चॉकलेट ज्यादा खाने वाले लोग भी बुद्धिमान होते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि नियमित रूप से चॉकलेट खाना ना सिर्फ हमारे शरीर को बूस्ट करता है बल्कि हमारे दिमाग को भी तेज करता है। नंबर 2, स्वेयरिंग टू मच। कुछ लोग बात बात में कसम खाने लगते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कसमें खाना कौन सी जीनियस की निशानी है, बट हमारे और रिसर्चर्स के थॉट में यही अंतर है। उन्होंने बताया कि बात बात में कसम खाना कमजोरी नहीं है, बल्कि ऐसे लोग सबसे अलग होते हैं और उन लोगों को जीनियस समझा जाता है। नंबर 1, लुनुला। गाइस, लुनुला का अर्थ है नेल में निशान का होना। बहुत से लोगों के नाखून में ऊपर हल्का सा व्हाइट कलर का सेमी सर्कल रहता है। रिसर्चर्स का मानना है कि ऐसे लोग भी जीनियस होते हैं और इनकी बॉडी भी फिट रहती है। ऐसे लोग जीनियस की कैटेगरी में आते हैं। रिसर्चर्स ने बताया कि मनुष्य की बॉडी में भी कुछ ऐसी निशानियां रहती हैं जो लोगों के जीनियस होने के संकेत बताती हैं। गाइस, ये वीडियो किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है। अगर आपके अंदर इसमें बताई गई कोई क्वालिटी है तो आप खुश हो जाइए। अगर नहीं है तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने आप को और भी परफेक्ट बनाइए। बिकॉज हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
एंड हाँ, अगर आप लोग 604 फैक्ट्स हिंदी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने के बाद उस ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।